व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। दाल वड़ा बना रहा हूँ आज, और ये जो दाल वड़ा है ना, वो जो चना दाल का वड़ा बनता है एकदम चपटा वाला, और साथ में एक चटनी सर्व की जाती है। यूजुअली तो वो वाइट कोकोनट चटनी भी सर्व करते हैं, बट मेरे घर के पास ना एक जगह है जहाँ पर ये चपटे वाले दाल वड़े मिलते हैं, एकदम क्रिस्पी वाले, और साथ में वो एक स्पाइसी वाली रेड चटनी मिलती है। और वही रेड चटनी से इंस्पिरेशन लेकर मैंने एक चटनी बनाई है, जो मैंने एक आध वीडियो में पहले आपके सबके साथ शेयर की हुई है, और वही चटनी जो है दाल वड़े के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। तो इस वीडियो में ये दाल वड़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चटनी है। और ये जो चटनी है, मूंग दाल के भजियों के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हो, और बहुत डिलिशियस लगती है। थोड़ी सी स्पाइसी होती है, बट मज़ा आ जाता है खाने में। तो एकदम परफेक्ट कुरकुरा वाला दाल वड़ा, और साथ में ये परफेक्ट वाली डिलिशियस वाली चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेना है, फिर उसके अंदर 1 टीस्पून तेल ऐड करना है। तेल एक बार गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए, और यहाँ पर अभी इसमें 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ। कश्मीरी मिर्चों को बीच में से तोड़ लिया था, हल्के हल्के बीज निकाल लिए थे, अब इन्हें मीडियम फ्लेम पे या मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से आपको टोस्ट कर लेना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद मिर्चियाँ एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी, सुगंध इसकी अच्छी आ जाएगी। उस स्टेज पर इसको एक बोल में ट्रांसफर करके आपको ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार मिर्चियाँ ठंडी हो जाएं तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मिर्चियों को ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसके अंदर एक नारियल को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था वो ऐड कर दीजिए, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटा सा प्याज रफली चॉप करके ऐड कर दीजिए, कुछ पत्ते पुदीने के, 1 टीस्पून या छोटा सा टुकड़ा इमली का डाल दो, 3 टेबलस्पून भुनी हुई चना दाल जिसे दालिया कहते हैं वो ऐड कर दो, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है ग्राइंड करने के लिए, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 1 चुटकी इसमें शक्कर ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको साथ में ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा दरदरा रख देना है, एकदम फाइन चटनी में आपको इसे नहीं पीसना है। तो ये आप देख सकते हो चटनी को मैंने किस तरीके से पीस लिया है, और ये हमारी एकदम डिलिशियस वाली स्पेशल वाली चटनी रेडी हो गई है। तो ये चटनी देखा आपने कितनी आसान है बनाना, इसमें वो मिर्ची से तीखापन आ जाता है, 2 मिर्चियाँ हमने ऐड की हैं, वो कलर आ जाता है कश्मीरी मिर्च से, तीखापन आ जाता है वो तीखी वाली मिर्ची से, साथ में थोड़ी सी इमली डाली खटास के लिए, वो थोड़ी सी शक्कर डाली, सारी चीज़ों को साथ में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है ना, ये चटनी इतनी डिलिशियस बनती है। ऑप्शनली इसको एक तड़का भी दे सकते हो, तेल के अंदर थोड़ा राई, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी उड़द दाल डाल दो, थोड़ी चना दाल डाल दो भूनकर, थोड़ी सी हींग डाल दो और ये ऐड कर दो, तड़के वाली भी चटनी बना सकते हो, बट एज इट इज़ भी ना ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसमें तड़का भी आप दे सकते हो इस चटनी को, और इन्जॉय कर सकते हो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ। तो चटनी हमने अभी बना ली, अभी हमें दाल वड़ा, जो चना दाल का दाल वड़ा बनता है एकदम क्रिस्पी वाला, परफेक्टली उसको फ्राई कैसे करना है, शेप कैसे करना है, हर एक चीज़, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ले ली है, ये चना दाल को आपको धोना है अच्छे से, और धोकर 7 से 8 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख देना है। ये आप देख सकते हो मैंने दाल को भिगो लिया था पानी में, और पानी से दाल को निकाल लिया है, और ये देख सकते हो अब दाल हमारी अच्छे से सोख हो गई है, बहुत जरूरी है दाल अच्छे से सोख हो जानी चाहिए। अब इस दाल को आपको करना ये है कि एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड करना है, यहाँ पर लगभग 75-80% ही दाल ऐड कर रहा हूँ, बाकी की दाल जो है रिजर्व कर दोगे आप बाद में ऐड करने के लिए। साबुत दाल हमें चाहिए, साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च डाल दो, और ये सारी चीज़ों को अभी आपको कोर्सली ग्राइंड कर देना है बिना कोई पानी ऐड किए, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो आपको करना ये पल्स मोड पे धीरे धीरे इसे ग्राइंड करना है, कि कोर्सली ग्राइंड करना है, बीच में आपको लगे तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार को हल्का सा निकाल कर आप दाल को मिक्स कर सकते हैं कि दाल इवनली अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो दाल को इसी तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हो दाल को मैंने किस तरीके से ग्राइंड किया है, इसका टेक्सचर देख सकते हो, ऐसा ही टेक्सचर इसका होना चाहिए। इस दाल को भी आपको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। दाल को आपने एक बार बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तब आपको हमाम दस्ते में कुछ मसाले कूटने हैं। तो एक हमाम दस्ते के अंदर 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून यहाँ पर साबुत काली मिर्च ऐड करनी है। इन सारे मसालों को भी आपको दरदरा कूट लेना है। काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ज़्यादा भी डाल दोगे तो चलेगा, इसका फ्लेवर इस वड़े के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो कोर्सली मैंने सारे मसालों को कूट लिया है। इन मसालों को अभी आपको इस पिसी हुई चना दाल के अंदर ऐड कर देना है। मसालों के साथ ही जो बची हुई चना दाल थी साबुत वाली वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में 1 चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर दीजिए। अभी इसमें कुछ चॉप्ड कड़ी पत्ता डालना है, तो 3-4 स्प्रिग्स कड़ी पत्ते के ले लीजिए और इनके पत्ते निकाल लीजिए। पत्ते निकाल कर इन्हें आपको चॉप करना है।
कड़ी पत्ते जो चॉप किए हुए ऐड कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फ्लेवर, थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऐड करना कड़ी पत्ता, ये चीज का ध्यान दीजिए। साथ ही में इसके अंदर चॉप किया हुआ ताजा धनिया ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें एक टेबल स्पून यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर रहा हूँ क्रिस्पीनेस के लिए, एक टेबल स्पून गरम तेल ऐड कर दीजिए और एक चुटकी यहाँ पर हींग ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को भी आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मैश करना है सब चीज़ों को साथ में, जैसे आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। प्याज जो है अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगा, तो सारी चीज़ों को आपको मिलाना है। अगर आपको कभी भी ऐसे लगता है कि पानी ज़्यादा छोड़ दिया प्याज ने, तो थोड़ा सा राइस फ्लावर इसमें एक दो चम्मच और ऐड कर सकते हो। मुझे इधर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हो सारी चीज़ें कंबाइन हो गई अच्छे से, चेक कर लेते हैं इसको। ये देखो जब इसको कंबाइन कर रहा हूँ तो साथ में जुड़ रहा है, यानी कि हमारा मिक्सचर जो है दाल वड़े का एकदम परफेक्टली बन गया है। अब इसे शेप करने के लिए आपको छोटा सा पोर्शन लेना है, उसको एक रफली राउंडल शेप में शेप कर देना है। शेप करने के बाद दूसरी हथेली पे रखना है और इस तरीके से दूसरे हाथ से आपको हल्का सा इसको चपटा करना है। तो थोड़ा सा इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऐसा हल्का सा मारेंगे, टच करेंगे तो ये हल्का सा चपटा हो जाना चाहिए। इस तरीके का शेप बनाना है, टिक्की जैसा शेप नहीं बनाना है, साइड के एजेस जो है ना ये थोड़े से चपटे रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा किस तरीके से इसको मैंने शेप किया, ऐसे ही सारे दाल वड़े आपको शेप कर लेने और एक प्लेट के ऊपर केयरफुली रख देने। तो दाल वड़े का मिक्सचर आपने पहले देखा कैसे बनाया है, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो मॉइस्चर है ना वो दाल को सोख किया उसमें से आ जाएगा और थोड़ा बहुत प्याज से भी मिल जाएगा, तो पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये जब भी मिक्सर बनाओगे ना तो मिक्सर एकदम ड्राई नहीं बनना चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट रहना चाहिए, नहीं तो डेंस बनते हैं दाल के वड़े, ड्राई बनते हैं अंदर से। हल्का सा मॉइस्चर रहेगा ना तो जब भी इसको फ्राई करोगे तो थोड़े से लाइट बनेंगे और अंदर से भी थोड़े से मॉइस्ट रहेंगे, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी हर जगह की दाल वड़े की रेसिपी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, कोई लोग इसमें प्याज ग्राइंड करते ही टाइम डाल देते हैं, कोई लोग अदरक लहसुन और मिर्ची जो है वो चॉप करके बाद में डालते हैं। तो ये जो तरीका है ना ये काफ़ी टाइम से हम घर पे दाल वड़ा ऐसे ही बनाते हैं और एक दो जगह की जहाँ मेरे को पसंद है दाल वड़े वहाँ भी ऐसे ही बनाया जाता है, तो मैं भी इसी तरीके से बनाता हूँ और एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट दाल वड़े बनेंगे। शेप करते टाइम पे आप नोट किया होगा मैंने एक चीज़ बोली थी कि उन्हें टिक्की जैसा शेप नहीं देना, हल्का सा ऐसे मारना है हाथों के बीच में, उससे क्या होता है ना एजेस ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, मैंने वो दिखाया था वीडियो पे आपको, तो फ्लैट एजेस से होता क्या है पतले पतले वड़े बनते हैं और वो कुरकुरे हो जाते हैं एजेस एकदम, तो वो बहुत ज़रूरी है, वैसे शेप कीजिए ऐसे, मज़ा आएगा आपको खाने में। और दूसरी बात, जब भी शेप करें आपको लगेगा कि ये बिखर रहे हैं, उसको लाइटली हैंडल कीजिए, थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिए, जब भी आप गरम गरम तेल में इसको डालोगे ना तो बिखरेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, एकदम दाल वड़े आपके परफेक्ट बनेंगे। अब इन्हें फ्राई कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो तेल को लगभग 165 डिग्री सेल्सियस पे आपको गरम कर लेना है, तेल आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए लेकिन ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। वड़ों को केयरफुली आपको उठा के एक एक वड़े को केयरफुली तेल में आपको ड्रॉप कर देना है। 5 से 6 वड़े आप एक टाइम पे तल सकते हैं। एक बार आपने वड़ों को ऐड कर दिया है तब हाई फ्लेम पर स्टार्टिंग में लगभग 30-40 सेकंड के लिए करछी बिल्कुल नहीं डालनी है, सेट होने देना है वड़ों को। एक बार वो शेप पकड़ लें तो ही करछी से आपको इसे स्टर करना है। तो अभी ये सेट हो चुकी है, स्टेज पे मैं इसे स्टर कर रहा हूँ, देख सकते हो वड़ों ने शेप पकड़ लिया, बिल्कुल भी बिखरे नहीं है। इस स्टेज पर फ्लेम को आपको मीडियम टू लो पर कर देना है और मीडियम टू लो पर आराम आराम से इन्हें फ्राई करना है ताकि जो दाल है वो अच्छे से पक जाए अंदर से भी और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाएं ये वाले वड़े। अगर हाई फ्लेम पर ही तलते रहोगे तो बाहर से रंग पकड़ लेंगे, अंदर से पकेंगे नहीं, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आराम आराम से पेशेंटली इन्हें फ्राई कीजिए, एकदम परफेक्ट वड़े आपके बनेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम आराम से पेशेंटली मैंने मीडियम टू लो पर इसे फ्राई किया और बाहर से कलर एकदम परफेक्ट आ गया है, एकदम क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें एक झारे से अभी निकाल लीजिए, चारे से निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए कि एक्सेस ऑयल अगर कुछ हो तो वो भी निकल जाए। कि हमारे दाल वड़े रेडी हो गए हैं, लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। बारिश का मौसम, साथ में गरम गरम कुरकुरे क्रिस्पी वाले दाल वड़े, टेस्टी वाले, थोड़े थोड़े तीखे, वो कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है, काली मिर्च का जो फ्लेवर आता है और साथ ही में ये इनक्रेडिबली डिलिशियस चटनी, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। और साथ ही में
ये जो दाल वड़े हैं उन्हें गरम गरम ही उसी टाइप सर्व कीजिए, उसको खाने का आपको मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। कोई कोई लोग इसे डबल फ्राई भी करते हैं एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस के लिए, बट अगर आप इसे मैंने जैसे बताया एकदम आराम आराम से फ्राई करोगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, तो एकदम परफेक्ट क्रिस्पी दाल वड़े बन जाते हैं। डबल फ्राई करने की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल मॉनसून स्पेशल रेसिपी एट योर होम। Cheers.